वेलकम टू माय चैनल टेक एंड नॉन टेक ज्ञान में आज आप पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस उनके हेड क्वार्टर्स और उनकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे डब्ल्यू एच ओ डब्ल्यू एच ओ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ की फाउंडेशन हुई थी सेवन अप्रैल नाइनटीन को डब्ल्यू एच ओ का हेडक्वाटर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में अगर आपसे कंट्री पूछा जाए किस कंट्री में है डब्ल्यू एच ओ का हेडक्वाटर तो आपको टिक लगाना है स्विट्जरलैंड पर अगर आपसे सिटी पूछी जाए तो आप जिनेवा पर टिक लगाइएगा एक चीज़ और स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न बर्न इज़ द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है स्विट्जरलैंड जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है टोटल हमारे यहाँ कितने कॉन्टिनेंट्स हैं टोटल हम सेवन कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं उन सेवन कॉन्टिनेंट्स में से स्विट्जरलैंड पड़ता है यूरोप कॉन्टिनेंट में अब आप इमेज देखिए टोटल सेवन कॉन्टिनेंट्स की एक ही पिक में आपको सारे कॉन्टिनेंट्स दिखाई देंगे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एशिया कॉन्टिनेंट की येलो कलर में जो दिख रहा है वो है एशिया कॉन्टिनेंट रेड कलर में जो दिख रहा है वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट ग्रीन कलर लाइट ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा है वो है नॉर्थ अमेरिका अमेरिका एक्चुअली टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है एक है नॉर्थ अमेरिका और दूसरा है साउथ अमेरिका तो जो आपको लाइट ग्रीन पार्ट में दिख रहा है वो कौन सा है नॉर्थ अमेरिका उसके नीचे आ जाइए साउथ अमेरिका ऑरेंज पार्ट में जो आपको दिख रहा है वो है साउथ अमेरिका इसके बाद सबसे नीचे आ जाइए इमेज में अंटार्कटिका अंटार्कटिका जो आपको स्काई ब्लू कलर में दिख रहा है वो है अंटार्टिका इसके बाद यूरोप ब्लू कलर में थोड़ा डार्क कलर डार्क ब्लू कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है वो है यूरोप और लास्ट है ऑस्ट्रेलिया तो टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं मेरे साथ साथ बोलिए सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं अब उनके नाम बोलिए एशिया अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अंटार्टिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया वेरी गुड अब इसके अलावा एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है तो अगर हम सबसे बड़े कॉन्टिनेंट की बात करें तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया एशिया एरिया वाइज एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और सेकेंड लार्जेस्ट की बात कर लेते हैं तो अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बट आपको लार्जेस्ट वाला तो याद होना ही चाहिए तो आप आग, एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है एक आपको दिख रहा है यूरोप कॉन्टिनेंट ब्लू कलर में इससे क्वेश्चन बनता है कि टोटल सेवन कॉन्टिनेंट्स में से ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें डेजर्ट नहीं है तो यूरोप इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें क्या नहीं है डेजर्ट नहीं है ठीक है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं यूनेस्को यूनेस्को है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ साथ बोलिए यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को लंदन यूके में पर इसकी फॉर्मेशन हुई उसके एक साल बाद 4 नवंबर 1946 को अगर आपसे फाउंडेशन पूछी जाए तो ऊपर वाली डेट याद रखिएगा अगर आपसे फॉर्मेशन पूछी जाए तो नीचे वाली डेट याद रखिएगा यूनेस्को का हेडक्वाटर है पेरिस फ्रांस में पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस फ्रांस जो है वो किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है फ्रांस भी यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है जिसमें कोई भी डेजर्ट नहीं है यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं अजोले। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है, अजोले। मैं आप है। फ्रांस आपको दिख रहा होगा ये है फ्रांस किस कॉन्टिनेंट में यूरोप कॉन्टिनेंट में अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आईसीसी आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की फॉर्मेशन हुई थी 15 जून 1909 में आई का हेड का है दुबई यू में आई का हेड का हेडक्वाटर कहाँ पर है दुबई यू में यू की फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमाईरेट्स इसकी करेंसी क्या है यू में चलती है दिरहम यू में कौन सी करेंसी चलती है दिरहम आई के चेयरमैन हैं शशांक मनोहर और आई के सी की बात कर लेते हैं तो आई के सी हैं मनु सोने कौन है आई के सी मनु सोने अब दुबई किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है दुबई पड़ता है एशिया कॉन्टिनेंट में एशिया कॉन्टिनेंट सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज भी एंड पॉपुलेशन वाइज भी और सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है ऑस्ट्रेलिया पर सबसे छोटा कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो अंटार्कटिका को कंसीडर किया जाता है ये भी आपको पता होनी चाहिए अब आपको पता है एशिया जो है वो काफ़ी बड़ा कॉन्टिनेंट है तो इसको अच्छे से समझने के लिए क्या किया है इसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है जैसे कि नॉर्थ एशिया सेंट्रल एशिया साउथ वेस्ट एशिया ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया मैप के थ्रू समझिए इससे आपको क्या होगा समझने में बहुत आसानी होगी ठीक है अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं नेक्स्ट और इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में 24 अक्टूबर को हर साल यूनाइटेड नेशंस डे भी मनाया जाता है ये डे भी आपको याद होना चाहिए हर साल हम 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे बनाते हैं इसकी फॉर्मेशन फाउंडेशन हुई थी 1945 में यूनाइटेड नेशंस का हेड क्वार्टर कहाँ पर है न्यूयॉर्क यूएस में अगर आपसे सिटी पूछी जाए तो न्यूयॉर्क पर टिक लगाइएगा और अगर आपसे कंट्री पूछी जाए तो यूएस पर टिक लगाइएगा जैसा कि आप मैप में देखिए आपको न्यूयॉर्क दिख रहा होगा इससे आप अच्छे से मैप्स से के थ्रू याद करने की कोशिश कीजिए आपको ज़्यादा टाइम के लिए चीज़ें याद रहेंगी ठीक है नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे नासा नासा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ साथ बोलिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन वेरी गुड नासा की फॉर्मेशन कब हुई इसकी फॉर्मेशन हुई 29 जुलाई 1958 को नासा की फॉर्मेशन कब हुई 29 जुलाई 1958 को इसका हेडकोर्टर है वाशिंगटन डीसी सी वाशिंगटन डी सी इज़ द कैपिटल ऑफ यूएस यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल भी क्या है वाशिंगटन डी ही है वाशिंगटन डी में डी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया क्या मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया अब आप नासा का लोगो देखिए ये है नासा का लोगो लोगों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए नासा की प्रिसीडिंग एजेंसी की बात करें तो इसकी प्रिसीडिंग एजेंसी थी एन ए सी एन ए सी ए की नेशनल एडवाइजरी कमिटी फॉर एरोनॉटिक्स नेशनल एडवाइजरी कमिटी फॉर एरोनॉटिक्स ये रही थी 1915 से लेकर 1958 तक फिर इसको हटा के नाइनटीन में नासा आ गया और अब नासा ही चल रहा है नेक्स्ट है हमारा यूनिसेफ अब हम पढ़ेंगे यूनिसेफ यूनिसेफ क्या है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ़ की फॉर्मेशन हुई थी 11 दिसंबर 1946 में यूनिसेफ का हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क इज अ सिटी इन यूएस यूनिसेफ के अभी प्रेसिडेंट हैं हैंटा फोर ये एक फीमेल है कौन है यूनिसेफ की प्रेसिडेंट हैंनरीटा फोर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक की फाउंडेशन हुई थी जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक की फाउंडेशन कब हुई थी जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएस में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड आर मालपास अभी आपको एक चीज और याद रखनी है कि जब भी किसी का हेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी इंस्टीट्यूशन एजेंसी का कोई हेड चेयरमैन चेंज होता है आपको अपने आप को तुरंत ही अपडेट कर लेना है आपको करंट अफेयर्स भी साथ में पढ़ने हैं क्योंकि आपको पता है हर एग्जाम में करंट अफेयर आते हैं तो करंट अफेयर के थ्रू आपको क्या है चीज़ें मिलती रहेंगी तो इससे आप अपने आप ही अपडेट होते रहेंगे ठीक है वर्ल्ड बैंक की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है वर्ल्ड बैंक की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप नेक्स्ट है डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक आप देखिए कि ये जो आपको फुल फॉर्म दिखाई दे रही है उसमें हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है कैपिटल है तो यही तरीका होता है फुल फॉर्म लिखने का मान लीजिए आप किसी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे रहे हैं आप लिख रहे हैं किसी चीज़ की फुल फॉर्म लिख रहे हैं आप किसी की अगर आपने गलती से इसको सबको स्मॉल लेटर्स में लिख दिया तो वो क्या माना जाएगा गलत माना जाएगा एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको नॉलेज नहीं है कि किसी फुल फॉर्म को कैसे लिखा जाता है तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा छोटी छोटी चीज़ें भी आपको याद रखनी है डी की फॉर्मेशन हुई थी नाइनटीन में डी का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में डी के अभी प्रेसिडेंट हैं जी सतीश रेड्डी डी के प्रेसिडेंट कौन है जी सतीश रेड्डी डी का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस क्या है डी का मोटो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस इसका मोटो आप याद रखिएगा इसका मोटो की अगर हम संस्कृत में बात करें तो संस्कृत में इसका मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम वलस्य मूलम विज्ञानम आई होप आपको समझ में आ रहा होगा नेक्स्ट है आसियान आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस क्या है इसकी फुल फॉर्म? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसकी फाउंडेशन हुई थी 8 अगस्त 1967 को इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में जकार्ता इज़ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया जहाँ पर कहाँ क्या है आसियान का हेडक्वार्टर भी है ये जो इंडोनेशिया है वो किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है एशिया एशिया कॉन्टिनेंट हमारा सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अब इसके सेक्रेटरी जनरल की बात कर लेते हैं इसके सेक्रेटरी जनरल हैं लिम जॉक हुए कौन है इसके सेक्रेटरी जनरल लिम जॉक हुए अब आपको पता है इसके टोटल कितने मेंबर्स हैं इसके टोटल टेन मेंबर्स हैं उनके आपको नाम भी पता होने चाहिए क्यों पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे तीन ऑप्शन वो होंगे जो इसके मेंबर्स हैं एक ऑप्शन होगा अलग जो कि इसका मेंबर नहीं होगा तो आपको वो कंट्री जो है वो डिफ्रेंशिएट करनी होगी कि कौन सा इसका ऑप्शन है तो आप मतलब एग्जाम में क्वेश्चन ही ऐसे पूछा जाएगा कि ऑड फाइंड करिए ठीक है तो जब आपको टेन के टेन नेम्स याद होंगे तभी तो आप ऑड फाइंड कर पाएंगे इसलिए इसके टेन नेम्स आपको याद होने चाहिए अब मैप में देखिए मैप में अब आप देखते चलिए इसके टोटल टेन मेंबर कंट्रीज मलेशिया बरूने बर्मा सिंगापुर कंबोडिया इंडोनेशिया फिलीपींस, लाओस थाईलैंड वियतनाम वर्मा की जगह पर आपको म्यांमार भी दिख सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है ये हैं टोटल टेन इनके नेम आपको याद होने चाहिए अगर आपको आसियान के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करनी है या फिर इनके नेम्स टेन आपको लगे कैसे याद होंगे हम तो भूल जाएंगे तो इसकी मैंने बहुत ही स्वीट शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक बना रखी है आप आई बटन पर क्लिक कीजिए और इसकी आसियान की वो ट्रिक देखिए एक बार आपको जरूर फायदा होगा आप आसानी से याद रख पाएंगे ठीक है नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आई एम एफ आई एम एफ है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आई एम एफ है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आई एम एफ की फाउंडेशन हुई थी ट्वेंटी सेवन दिसंबर नाइनटीन फोर्टी फाइव को आई एम एफ की फाउंडेशन कब हुई है ट्वेंटी सेवन दिसंबर नाइनटीन फोर्टी फाइव को आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है वॉशिंगटन डीसी। आईएमएफ की अभी प्रेसिडेंट हैं या फिर मैं बोलूँ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जी वा कौन है क्रिस्टेलिना जॉर्जी वा क्रिस्टेलिना जॉर्जी वा इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ आईएमएफ की मेन ऑर्गन का नाम क्या है आईएमएफ की मेन ऑर्गन है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्या है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इसमें टोटल कितने कंट्रीज हैं वन नाइन इसमें टोटल कंट्रीज हैं ठीक है नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आई ए ई है इंटरनेशनल अटोमिक एनर्जी एजेंसी इंटरनेशनल अटोमिक एनर्जी एनर्जी एजेंसी इसकी फाउंडेशन हुई थी 29 जुलाई 1957 को कब हुई थी इसकी फाउंडेशन 29 जुलाई 1957 को इसका हेड क्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में वियना ऑस्ट्रिया में अब आप मैप में देखिए ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है एक्चुअली ये यूरोप कॉन्टिनेंट के सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है ऑस्ट्रिया यूरोप कॉन्टिनेंट के सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये यूरोप सेंट्रल यूरोप में ऑस्ट्रिया कॉन्टिनेंट पड़ता है ठीक है ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है वियना। आपको सारी कंट्रीज़ की कैपिटल तो याद होनी ही चाहिए ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है वियना। अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है राफेल ग्रोसी इसके प्रेसिडेंट कौन है राफेल ग्रोसी नेक्स्ट है नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फाउंडेशन हुई थी 4 अप्रैल 1949 को नाटो की फाउंडेशन कब हुई थी 4 अप्रैल 1949 को इसका हेडक्वाटर है ब्रूसेल्स बेल्जियम में कहाँ है इसका हेडक्वाटर ब्रूसेल्स बेल्जियम में ब्रूसेल्स कैपिटल है बेल्जियम की ब्रूसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम ये आपको याद रखनी है कैपिटल तो आपको हर कंट्री की याद रखनी ही है नाटो की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश एंड फ्रेंच क्या है ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड फ्रेंच इसके प्रेसिडेंट हैं जेन्स स्टोल्टेनबर्ग नाटो के प्रेसिडेंट हैं जेन्स स्टोल्टेनबर्ग इसमें टोटल थर्टी मेंबर हैं कितने मेंबर हैं नाटो में इसमें टोटल थर्टी मेंबर्स हैं ठीक है थीके? अब वो बेल्जियम की बात कर लेते हैं बेल्जियम किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है बेल्जियम आपका पड़ता है यूरोप कॉन्टिनेंट में किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है बेल्जियम यूरोप कॉन्टिनेंट में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एस सी ओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस सी ओ की फाउंडेशन हुई थी 2001 में एस सी ओ का हेड क्वार्टर है बीजिंग चाइना में बीजिंग इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना अब आप ये बताइए कि चाइना किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है यस yes, चाइना पड़ता है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में जो कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एस के सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमिर नोरो एस के सेक्रेटरी जनरल कौन व्लादिमिर नोरो इसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो हैं चाइनीज एंड रशियन इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं चाइनीज एंड रशियन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आई एल ओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन हुई थी 29 अक्टूबर 1919 को कब हुई थी इसकी फाउंडेशन 29 अक्टूबर 1919 को इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में सिटी आपको समझ में आ रहा है जिनेवा और आपको कंट्री समझ में आ रही है स्विट्जरलैंड इसके प्रेसिडेंट है आई के गाय राइडर कौन है इसके प्रेसिडेंट गाय राइडर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाडा वाड़ा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा की फाउंडेशन हुई थी 10 नवंबर 1999 को वाडा की फाउंडेशन हुई थी 10 नवंबर 1999 को इसका हेड क्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में कनाडा की कैपिटल बताइए कनाडा की कैपिटल है ओटावा एग्जाम में कनाडा की कैपिटल कई बार पूछी गई है आप याद रखिएगा इसकी कैपिटल कनाडा की कैपिटल है ओटावा कनाडा किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट ऊपर होता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट नीचे होता है कनाडा जो है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है इसके प्रेसिडेंट हैं विटोल्ड बांका कौन है इसके प्रेसिडेंट विटोल्ड बांका बाडा में ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो चलती हैं वो हैं इंग्लिश एंड फ्रेंच अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट है नाडा नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा की फाउंडेशन हुई थी 24 नवंबर नवम्बर नाइन ट्वेंटी फोर नवम्बर टू थाउजेंड फाइव इसका है न्यू दिल्ली में इसके प्रेसिडेंट है नवीन अग्रवाल और नाडा का मोटो है प्ले फेयर नाडा के जो चेयरमैन होते हैं वो जो मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स होते हैं वही क्या होते हैं नाडा के चेयरमैन होते हैं नाडा जो है वो एक नॉन प्रॉफिट टाइप की एजेंसी है ये प्रॉफिट एजेंसी में नहीं कंसीडर की जाती है ये एक नॉन प्रॉफिट टाइप की एजेंसी है इसमें जो लैंग्वेजेस चलती हैं वो है इंग्लिश और हिंदी नेक्स्ट हम बात करेंगे इसरो इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फाउंडेशन हुई थी 15 अगस्त 1969 को इसरो की आप फाउंडेशन जो डेट है वो याद रखिएगा इसकी फाउंडेशन हुई है 15 अगस्त 1969 को इसका क्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका बेंगलुरू इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका इसके प्रेसिडेंट हैं के सिवन और इसके फाउंडर हैं विक्रम साराभाई आपको अपनी कंट्री का तो फुल मैप याद होना ही चाहिए इसलिए मैं कर्नाटका का मैप आपको शो कर रही हूँ इसमें देखिए ये है कर्नाटका मैप के थ्रू आप याद रखिएगा कि किस जगह पर कौन सी स्टेट है ठीक है अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आरबीआई आर है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ये मेन बैंक है कोर बैंक सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं ये सब कुछ मेन बैंक यही है सब सारी बैंक्स को यही एक तरीके से हम बोल सकते हैं रेगुलेट करती है सबसे ज़्यादा अथॉरिटी जो है वो आर के पास ही है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी फॉर्मेशन डेट ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है आर का हेड क्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र इंडिया आर के प्रेसिडेंट हैं शक्तिकांत दास शक्तिकांत दास से पहले थे उरिजीत पटेल और उनसे भी पहले थे रघुराम राजन रघुराम राजन काफी फेमस रहे हैं इसके चेयरमैन इनको मैक्सिमम सभी बच्चे जानते हैं नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके मैप की मैप आप देखिए महाराष्ट्र इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये है महाराष्ट्र जिसकी कैपिटल है मुंबई ठीक है नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बीसीसीआई बीसीसीआई की वाइस बीसीसीआई के सबसे पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसकी फ़ाउंडेशन हुई थी 1928 में बी की फ़ाउंडेशन कब हुई 1928 में बी का हेड क्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र इंडिया अभी इसके प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली कौन है अभी प्रेजेंट टाइम पर बी के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली जाने माने क्रिकेटर हैं नाम याद करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी बी के अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं महीम वर्मा प्रेसिडेंट याद रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर प्रेसिडेंट जरूर याद रखिएगा इसके मेंस कोच हैं रवि शास्त्री और विमेन कोच हैं इसकी डब्ल्यू वी रमन इसका हेडक्वाटर जो है मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है वहाँ पर है आपसे आप, आप यहाँ से एक और क्वेश्चन ये देख सकते हैं कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है तो वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई महाराष्ट्र नेक्स्ट हम बात करेंगे फीफा फ़ीफा है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन क्या है फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फ़ीफा की फ़ाउंडेशन हुई थी 21 वन 1904 21 जीरो 1904 पेरिस फ़्रांस में फाउंडेशन इसकी पेरिस फ़्रांस में हुई थी पर जब हेड क्वार्टर की बात करेंगे तो हेडक्वाटर इसका जूरज स्विट्जरलैंड में हेड है. कोार्टर इसका जूरज स्विट्जरलैंड में है. पर अगर फ़ाउंडेशन कहाँ पर हुई थी तो वो आप याद रखिएगा पेरिस फ़्रांस में हुई थी पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस फ्रांस हमारा पड़ता है यूरोप कॉन्टिनेंट में स्विट्जरलैंड भी हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है बर्न कैपिटल है स्विट्जरलैंड की फ़ीफा के प्रेसिडेंट हैं ज्ञानी इन्फेंट टीनो. कौन है फीफा के प्रेसिडेंट ज्ञानी इन्फेंट नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी को जनरली बच्चे ट्वेंटी देखते ही ये समझ लेते हैं कि ये जो ग्रुप है वो ट्वेंटी कंट्रीज़ का है पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी ट्वेंटी जो ग्रुप है उसमें नाइनटीन तो कंट्रीज़ हैं बट जो एक है वो है यूरोपियन यूनियन ई जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं ई तो इसमें नाइनटीन कंट्रीज और ई है इन्हीं नाइनटीन कंट्रीज और ई से मिलकर क्या बनता है हमारा जी ट्वेंटी ग्रुप बनता है ठीक है अब इसकी फाउंडेशन की बात कर लेते हैं इसकी फाउंडेशन हुई थी 29 सितंबर 1999 को कब हुई है इसकी फाउंडेशन 29 सितंबर 1999 को जी ट्वेंटी का हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है ढाका बांग्लादेश में जी ट्वेंटी के प्रेसिडेंट हैं सलमान बिन अब्दुल लजीज कौन है इसके प्रेसिडेंट सलमान बिन अब्दुल लजीज नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सार्क सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसकी फाउंडेशन हुई थी 8 दिसंबर 1985 को कब हुई है सार्क की फाउंडेशन इसकी फाउंडेशन हुई थी 8 दिसंबर 1985 को सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में आपको पता होगी कि काठमांडू जो है वो क्या है नेपाल की कैपिटल है काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल आपको ये भी पता होगा कि जो काठमांडू है वो सॉरी जो नेपाल है वो इंडिया का क्या है? नेबर इंडिया का नेबरिंग कंट्री है नेब मतलब इसके बिल्कुल पड़ोसी देशों में आता है बिल्कुल बगल में मतलब पहले जो है नेपाल इंडिया का पार्ट हुआ करता था बट अब ये अलग हो चुका है अब ये एक अलग कंट्री है सार्क के सेक्रेटरी जनरल है ई आर वीराकून अभी प्रेजेंट टाइम पर इसके सेक्रेटरी जनरल है ई आर वीरा कुन ये है जो है श्रीलंकन डिप्लोमेट है ई आर वीरा कून कौन है श्रीलंकन श्रीलंका के ये एक डिप्लोमेट है आप मैप में देखिए नेपाल को आपको साइड में दिख रहा होगा इंडिया के मैप के जस्ट ऊपर की साइड में नेपाल मैप के थ्रू याद करिए चीज़ों को इंडिया का मैप और इंडिया के आसपास में जो भी कंट्रीज हैं उनका भी आपको याद रखना है कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है जैसे किसी एक स्टेट को उठा लें जैसे राजस्थान है तो राजस्थान की नेबरिंग स्टेट्स के नाम आपको पता होनी चाहिए होने चाहिए टोटल कितने नेबरिंग स्टेट हैं नंबर भी पता होना चाहिए तो अपने खुद के कंट्री का मैप तो आपको फुल याद होना चाहिए अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे यू एन डी पी यू एन डी पी है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यू एन डी पी की फाउंडेशन हुई थी ट्वेंटी टू नवम्बर नाइनटीन सिक्सटी फाइव को यू एन डी पी की फाउंडेशन कब हुई है ट्वेंटी टू नवंबर नाइनटीन सिक्सटी फाइव को यू एन डी पी का हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए यू एस ए में यू एन डी पी का कहाँ पर है न्यूयॉर्क यू एस ए में न्यूयॉर्क जो है वो एक सिटी है यूएसए में अभी प्रेजेंट टाइम पर यूएनडीपी के हेड हैं एक्िम स्टीनर कौन है एक्िम स्टीनर चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूटीओ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फाउंडेशन हुई थी 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की फाउंडेशन हुई है 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यू टी ओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है डब्ल्यू टी ओ के प्रेसिडेंट हैं रोबर्टो अजे बेडो डब्लू टी ओ के प्रेसिडेंट हैं रोबर्टो अजे बेडो इसमें टोटल कितने मेंबर हैं इसमें टोटल 164 मेंबर हैं कितने मेंबर है इसमें टोटल 164 नेक्स्ट हम बात करेंगे आईसीजे आई सी जे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसी की फाउंडेशन हुई थी 1945 में कब हुई है आई की फाउंडेशन 1945 में इसका हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड में कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में इसके अभी प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट टाइम पर अब्दुल कवि यूसुफ कौन है आई के प्रेसिडेंट अब्दुल कवि यूसुफ इसमें जो जज होते हैं वो टोटल होते हैं फिफ्टीन कितनी पोजिशन है इसमें टोटल फिफ्टीन पोजिशन है और इनके जो जज होते हैं उनका टाइम पीरियड कितना होता है उनका जो कार्यकाल होता है वो नाइन ईयर्स का होता है ठीक है अब एक चीज़ और इसकी प्रिसीड मतलब इससे पहले आईसीजे से पहले क्या था पीसीआईजे करके हुआ करता था पीसीआईजे की फुल फॉर्म परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस अब इसका नाम हम आईसीजे से ही इसको जानते हैं हम इसको आईसीजे भी बोल सकते हैं हम इसको वर्ल्ड कोर्ट भी बोल सकते हैं इसको वर्ल्ड कोर्ट बोला जा रहा है इसी से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो गए मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में अगर विवाद हो गया तो वो कहाँ पर सॉल्व होगा आईसीजे में सॉल्व होगा दो स्टेट्स के बीच में अगर विवाद हो जाता है तो वो भी आईसीजे में सॉल्व होगा अगर किसी को नई सेटिस्फेक्शन हो रहा है किसी अपने स्टेट के हाई कोर्ट या अपने सुप्रीम कोर्ट कंट्री के तो फिर वो आई में अप्लाई कर सकते हैं अपील कर सकते हैं नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डब्ल्यू डब्ल्यू एफ डब्लू डब्ल्यू एफ ए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसकी फाउंडेशन हुई थी 29 अप्रैल 1961 और इसका हेड क्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में विम्सटेक का फ्लैग देख सकते हैं यह है विम्स्टेक का फ्लैग इसके टोटल कितने मेंबर हैं इसके टोटल सेवन मेंबर हैं उनके सारे सेवन मेंबर्स के नाम आपको याद होने चाहिए कौन कौन से हैं बांग्लादेश भूटान इंडिया म्यांमार नेपाल श्रीलंका थाईलैंड कौन कौन से मेंबर हैं बांग्लादेश भूटान इंडिया म्यांमार नेपाल श्रीलंका थाईलैंड अब आप देखिए इसके बिम्स्टेक की फुल फॉर्म बताइए बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपोरेशन बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन बिम्स्टेक की फाउंडेशन हुई थी 6 जून 1997 में बिम्स्टेक की फाउंडेशन हुई है 6 जून 1997 में इसका हेडकोार्टर है ढाका बांग्लादेश में इसका हेड क्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में इसके सेक्रेटरी जनरल हैं मोहम्मद शाहिदुल इस्लाम इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है मोहम्मद शाहिदुल इस्लाम बांग्लादेश की इस टाइम पर पीएम कौन है शेख हसीना जो है वो इस टाइम पर बांग्लादेश की पीएम है बांग्लादेश का आप मैप देखिए ये इंडिया के जस्ट आपको पड़ोस में दिखाई दे रहा होगा पहले ये बांग्लादेश इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था अब ये इंडिया से अलग हो चुका है अब ये एक अपना अलग है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप ऐसे ही और ज़्यादा वीडियो चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टैक एंड नॉन टैक ज्ञान इस चैनल का नाम है अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए बेल आइकन पर प्रेस करिए जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले थैंक यू